तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्या एंड मिक्की में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए न्यू रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी, ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो अपना ने कभी सुना नहीं होगा। उससे आप बहुत फटाफट और लाजवाब हलवा बना सकते हैं। और ये सोचिए अब क्या है, ये मैंने पपीता का हलवा बनाया, वो भी कच्चे पपीते का। तो देखने में आपको लग रहा है ना यमी, और ये बहुत ही टेस्टी है। तो फटाफट इसे बनाने के लिए हमारे साथ आगे बने रहें। तो मैं चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताऊं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए इसके स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो ये देखिए, पपीते के हलवा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। मैंने गैस चढ़ाया, गैस पे कढ़ाई चढ़ाया है, और उसमें मैंने एक स्पून घी डाला है। तो अब मैं कद्दूकस किया हुआ पपीता को, इस तरह मैंने कच्चे पपीता लिया है और उसे कद्दूकस कर लिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे इसे हम भुनेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। इसका कलर अगर हल्का रेड हो जाए तब इसमें हम लोग दूध और चीनी ऐड करेंगे। लेकिन अभी तब तक हम, जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो रहा है, इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे। तो अभी इसे हम इसी तरह अच्छे से भूनना है, इसे छोड़ना नहीं है, इसे चलाते रहना है। तो ये देखिए, हमारा कलर चेंज हो गया है अच्छे से। देखिए, आप देख सकते हैं ये रेड हो गया है हमारा हल्का सा, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी दूध और चीनी, ये एक कटोरी है हमारे छोटे कटोरी से, और इसे हम भुनेंगे। जब तक हमारा दूध और चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। अगर आपको नहीं डालना है तो वो कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है। तो इससे थोड़ा फूड कलर डालने से क्या होगा, हमारा जो हलवे का कलर है वो बहुत ही प्यारा निखर के आएगा, इसलिए इसमें हम फूड कलर डालेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा हम फूड कलर डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इस तरह हम इसे भुनेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से हमारा, अब इसे दूध को हम सोख लेंगे अच्छे से। जब ये हमारा दूध इसमें अच्छे से कवर हो जाएगा, तब इसमें हम हमने ये देखिए इलायची का पाउडर थोड़ा सा कूट लिया है और उसे डाल देंगे, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए, आपके घर भी जो भी कोई भी चीज़ अवेलेबल हो, आप ड्राई फ्रूट्स वो भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसे बचा लूँगी ऊपर से गार्निश करने के लिए, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है, अगर आप नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। ये मैंने स्वाद के लिए दिया है, इससे कोई हमारा स्वाद में अंतर नहीं आएगा, हलवा हमारा ऐसे भी टेस्टी बनेगा, तो मैंने इसलिए दिया है इसमें। और देखिए, इसका अब ये अच्छे से थोड़ा और भुन जाएगा, तब इसमें लास्ट में हम लोग मावा देंगे। घर पे बना हुआ मावा है, मैं वो दूंगी। अब थोड़ा सा इसमें हम नारियल का बुरादा भी डाल देंगे, एक चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना, एक चम्मच डाल देंगे। अगर आपके पास सूखा नारियल है तो आप उसे कट करके भी दे सकते हैं, नहीं तो ग्राइंड करके भी दे सकते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये नारियल का बुरादा आप दें, आपके पास जो भी मैंने बोला ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो दे सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा हलवा का कलर आ रहा है। अब जब ये कढ़ाई हमारा इस तरह छोड़ देगा, तब यानी हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। हलवा बनने में कम से कम हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। जैसे हम लोग गाजर का हलवा बनाते, मैंने उसी तरह बनाया है, और ये बहुत ही, गाजर हलवा के सामने इसका ये फेल है, ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। आप एक बार इस तरह ट्राई करें बनाकर। अगर आप चाहें तो उबाल कर भी इसे बना सकते हैं, जैसे आप इसे अच्छे से कद्दूकस कर ले और इसे दो सीटी लगा दें, उसके बाद भी आप बनाएंगे तो उस तरह भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने आपको इस तरह बताया, इस तरह भी अच्छा लगता है और उस तरह भी अच्छा लगता है, उबाल कर भी। तो ये देखिए, अब थोड़ा सा और हमारा 2 मिनट होगा। तो ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा मावा, एक चम्मच ही डालना है। मैंने घर पे ही दूध को अच्छे से सुखाकर मावा बनाया,
तो ये मैंने डाला है, और ये भी ऑप्शनल है। अगर आप मावा नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने दूध पहले ही दे रखा है तो मावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे अब मैंने, मेरे पास घर पे था तो मैंने डाल दिया। इससे अगर आपके पास मावा है तो दे, नहीं तो नहीं दे भी सकते। ये देखिए आपको मेरा हलवा कैसा लग रहा है और कैसा बन रहा है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर इसे बनाएं, और बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो ये देखिए हलवा हमारा एकदम बन के तैयार है। ये कढ़ाई देखिए हमारा इस तरह छोड़ दे रहा है हलवा, तो यानी हमारा हलवा एकदम रेडी है। अगर आपका कढ़ाई छोड़ दे हलवा इस तरह, तो समझ जाइए हलवा हमारा हो गया। तो गैस को कर देंगे हम बंद। अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो ये देखिए हमारा हलवा एकदम बन के तैयार है, और मैंने जो ड्राई फ्रूट थोड़ा सा बचाया था उससे मैंने गार्निश किया है, और आप चाहे तो ऊपर से आप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि ये पपीता का हलवा है, और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब, और इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे सभी लोगों को ये रेसिपी मिलती रहे। थैंक यू।